हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन बैंक एसोसिएशन का आईबीए का एक लेटर जारी हुआ है आज की डेट का, जो अभी यूएफबीयू आईबीए की मीटिंग हुई थी और मीटिंग पीएलआई को लेके, पीएलआई की जो फार्मूला फिक्स किया गया था कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हटा के 8 पैरामीटर हैं उसके हिसाब से अब पर्टिकुलर बैंक डिसाइड करेंगे कौन से पैरामीटर के हिसाब से वो पीएलआई देना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये लेटर है। आईबीए ने सारे बैंक के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके चेयरमैन और एमडी सीईओ को लेटर दिया हुआ है कि वो पीएलआई का फार्मूला फाइनलाइज करें और इसके हिसाब से पीएलआई दिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, चेयरमैन एसबीआई, एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएसबी, डियर सर एंड मैडम, मैट्रिक्स फॉर परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव वॉज इंट्रोड्यूस फॉर ऑल पीएसबी एम्प्लॉय एज पर द बायपार्टाइट सेटलमेंट एंड जॉइन नोट साइन ऑन 11 नवंबर 2020, इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो जो मेन मतलब 2020 में फार्मूला फाइनलाइज किया गया था, 2020 से इम्प्लीमेंट किया गया था। और मेन इसमें यही लिखा हुआ है कि पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे होता था, बट इसको ऐसा फील किया गया। अब ये क्यों फील किया गया, क्योंकि अदर पैरामीटर अब बैंक वाइज हो जाएंगे। आने वाले समय पर जो अलाउंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बैंक में अलग अलग तरीके से ही इम्प्लीमेंट की जाएगी। जैसे एसबीआई में पूरा सेटलमेंट ही अलग हो जाता है, तो अभी पीएलआई भी अब पर्टिकुलर बैंक के हिसाब से फार्मूला डिसाइड करेंगे कौन सा बैंक किस पैरामीटर को क्राइटेरिया में प्रायोरिटी देता है, वहाँ की यूनियन के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो 15/6/2024 को मीटिंग हुई थी नेगोशिएशन कमेटी की आईबीए एंड यूएफबीयू की, तो वहाँ पर डिटेल डिस्कशन किया गया। इट वाज डिसाइड दैट बैंक विल पुट इन प्लेस अ मैट्रिक्स बेस ऑफ पैरामीटर इफेक्टिव फ्रॉम 2023-24, जो कि मैट्रिक फार्मूला 2023-2024 से वैलिड होगा, इसलिए पीएलआई नहीं आई है। तो ये इस पर डिस्कशन किया गया है। एज पर देयर प्रायोरिटी फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट पैरामीटर, परफॉर्मेंस पैरामीटर विद अप्रूवल ऑफ देयर प्रायोरिटीज अथॉरिटी। तो वहाँ पे जो बैंक है वो डिसाइड करेगा कि उस बैंक की क्या प्रायोरिटी है, किस पैरामीटर में वो ज़्यादा इफेक्टिव करना चाहता है, तो उसके हिसाब से पीएलआई दी जाएगी। इसमें से 5 पैरामीटर डिसाइड किए जाएंगे। तो जो पैरामीटर है, कासा, एनपीए, एसएमए, नॉन इंटरेस्ट इनकम, टोटल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न आरओए, आरओई, गवर्नमेंट स्कीम एंड द सैलरी कंपोनेंट एज स्पेसिफाई इन बायपार्टाइट जॉइंट नोट डेट ऑन 11 नवंबर 2020 विल बी पेएबल फॉर द नंबर ऑफ डे रेंजिंग फ्रॉम 0 to 15 बेस ऑन द मैट्रिक्स। और जो पहले था कि 0 से लेकर 15 दिन की पीएलआई मिल सकती है, वो सेम रहेगा। अब इसमें यह है कि आपको 0 दिन की मिल सकती है, 1 दिन की मिल सकती है, हाई जस्ट 15 दिन है, मतलब 15 दिन से ज़्यादा तो एनी हाउ आपको मिल नहीं सकती। मतलब और ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है पीएलआई के फॉर्मूले को, बैंक स्पेसिफिक बना दिया गया है। पर्टिकुलर बैंक की यूनियन वहाँ पर डिसाइड करेगी किस फार्मूला के हिसाब से दिया जाएगा, अलग अलग बैंक में अलग अलग फार्मूला के हिसाब से। थैंक यू दोस्तों। अब ये इससे यही है कि आने वाले समय पे अब जल्द से जल्द, क्योंकि अब ये आईबीए के थ्रू लेटर गया है, तो मे बी जुलाई एंड या अगस्त तक में पीएलआई रेट हो जाएगी, डिपेंड अपॉन परफॉर्मेंस, जो पैरामीटर के हिसाब से डिसाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।